खबर होती तो ठीक है, बुला के पूछ लो अपनी बहू से। सिया, सिया। जी माँ जी। सिया बता दो इन लोगों को कि ये लोग जो कह रही है वो झूठ है। हाँ जी, ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या झूठ है? ये लोग कह रहे हैं कि तुम सतपाल दर्जी के यहाँ काम करती हो। और इन्होंने जो ब्लाउज पहने हैं वो तुमने सिए। हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे बहू का अपमान कर रहे हैं। बेटा बता दो इन्हें कि ये जो कह रही है वो झूठ है। सच बता के ना इन लोगों के मुंह पे ताला लगा दो। बाकी की खातिरदारी हम करेंगे इन लोगों की। बोलो बहू, ये लोग जो तुम पर इल्जाम लगा रही हैं, क्या वो सच है? जी माँ जी, ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम ही ने सारे ब्लाउज हमारी पढ़ाई के पैसों का इंतजाम करने के लिए हमने ये सब किया। अब नाटक क्या कर रही हो? पहले तो खुद बहू से काम करवाती हो। जब बात खुल गई तो रोना पिटना शुरू कर दिया। चलो चलो, पूजा के नाम पर ये नाटक दिखा रहे हैं। चलो चलो। यही नतीजा निकलता है बहू बेटे को ज्यादा पढ़ाई लिखाई करवाने का। अपनी ही मनमानी करती है ये लोग। नाक कटवा के रखती पूरे मोहल्ले के सामने हमारी। एक दर्जी के लिए काम करती है इस घर की बहू। इसे और कोई काम नहीं मिला? जिस दर्जे की औकात नहीं है इस घर के सामने नजर उठा के देखने की, आज वही दर्जी इस घर की बहू को पगार देगा। हे भगवान, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे हमारे। पर माँ जी, इसमें बुराई क्या है? बल्कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों की घर की बहू ने अपनी पढ़ाई के पैसों का इंतजाम
खुद अपनी मेहनत से किया। वाह, तो इस घर के बहू दर्जी के लिए काम करें और हम सब खुशी मनाएं। पर माँ जी, इसमें हर्जी क्या है? हमारे पिताजी भी तो दर्जी हैं। रामलीला की पूरी मंडली के लिए हम और हमारा पूरा परिवार कपड़े ही तो सिला करते थे। हाँ तो तुम्हारे पापा है क्या एक मामूली रामलीला मंडली के कलाकार? जिनका कोई नाम है, न मान है, न सम्मान है, न रुतबा है, और उन्हें इन सब की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमें है, समाज में रुद्र के पापा का नाम, मान, सम्मान सब है, इज्जत है, और हमें उस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है हमें। माँ जी, आपकी सोच कितनी छोटी है। आपको कुछ भी समझा पाना बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे थे? पढ़ी लिखी बहू का घर में आना ही झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। हमें छोटी सोच वाले कह दिया। क्या हम नीची सोच वाले हैं? अब पता नहीं हमारा क्या क्या सुनना बाकी रह गया है। एक तो इसने गलत काम किया है और अपनी गलती मानने के बजाय हमसे जबान लड़ा रहे हैं। बेटा, ये किताबी ज्ञान ही है जो इन लड़कियों की जबान खोल देता है। पढ़ाई लिखाई एक अभिशाप है बेटा। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा, ये इसका किताबी ज्ञान ही है जो ना तो इसको बड़ों के लिए इज्जत है, ना तो अपने पति के लिए कोई सम्मान। हमसे एक बार भी मदद मांगने नहीं आई, और कैसे आती? जब ही हमको वो लायक समझती तब ना। लो भैया, आपका पैक तैयार। आओ फिर गिलास। यस। कुछ भी कह जीतू, पीने का मजा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही आता है। सही बात कह रहे हैं। ले फिर और एक बना। ये लीजिए आपका दूसरा पैक तैयार। यार, सिया भाभी जैसी पत्नी तो सबको मिलनी चाहिए। उनके जैसी गुणी औरत तो हर परिवार में होनी चाहिए। आखिरकार ये सब उनके पढ़ाई लिखाई का ही तो नतीजा है जो इतने बड़े परिवार को वो इतने अच्छे तरह से संभाल रही हैं। खाना बनाने में माहिर, पूजा पाठ में तेज, और मेहमानों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। बेटा, माना कि सिया बहू बहुत पढ़ी लिखी है, अरे चार दर्जा क्या पढ़ लेती है, अपने आप को 30 बार खा समझने लग जाती हैं। अरे वही तो बात हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं बेटा। धीरे धीरे वो अपने फैसले तुम पर थोपने लगेगी, तुम पर हावी होने लगेगी, और फिर वो दिन दूर नहीं है बेटा
जब वो जैसा जैसा कहेगी वैसा वैसा तुम करते जाओगे और चोरों का गुलाम बन जाओगे। पर इस कुर्ते में ना आप सोफिस्टिकेटेड नहीं लग रहे। हमारा मतलब है कि आप इस कुर्ते में सभी इंसान नहीं लग रहे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, आप एक नंबर के जंगली भालू लग रहे हैं। इसलिए लीजिए इस कुर्ते को पहनिए और उसे उतारिए। लीजिए। हम तुमसे क्या कह रहे थे? पढ़ी लिखी बहू का घर में आना ही झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। आज इसने हमें छोटी सोच वाले कह दिया। रीका भैया, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। ठीक है, तुम लोग शुरू रखो, हमें कहीं जाना होगा। मतलब का झूठा दिखावा मत करो। हमें आज समझ में आ गया है कि अमरीका औकात है तुम्हारी नजर। एक जाहिल अनपढ़ गवार जानवर एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी का ख्याल भी नहीं रख सकता। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा भी नहीं कर सकता। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को किसी और के सामने जाके भीख मंगवा दे। ये औकात रह गई ना हमारी तुम्हारी नजर। ये सब आप क्या बोल रहे हैं रूद? ये सब झूठ है। हमने ऐसा कभी किसी से नहीं कहा। तुमने ऐसा कभी कहा तो नहीं, पर तुम सोचती तो ऐसा ही हो ना। क्योंकि सच तो ये है कि अनपढ़ गवार निठल्ला पति तुम लायक ही नहीं। हमारी वजह से तुम सबके सामने अपने आप को तुम्हारी घमंड के कारण अपनी निठले नकारे पति के पास एक बार भी पैसा मांगने नहीं है, पर तुम उदरजी के पास चली गई। उदरजी के पास जो काम करता है, लेकिन तुम्हारा ये निठल्ला नकारा पति तो घर पे बैठकर रोटियां तोड़ता है। पैसों का इंतजाम तो
कहां से कर पाए। इस बेकार इंसान को अच्छा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। इस बेचारे को जीना नहीं आता, इसको जीना सिखाएंगे। इस रावण को राम बनाएंगे। एको तो दया की और तरस की बहुत ही जरूरत है, बहुत ही। माफ कीजिएगा, हमको आपकी दया की और आपकी तरस की कोनो जरूरत नहीं। हम मस्त है अपनी जिंदगी, बस मस्त। रुद्र देखिए, आप हमें गलत समझ रहे, हमारी बात तो सुनिए। अब और समझाने के लिए का बाकी रह गए, ना ही हमको तुम्हारी सफाई सुनने की कोनो जरूरत। काहे कि अब जो तुम बोलोगी वो झूठ होगा हमेशा की तरह। कि सच तो ये है कि अनपढ़ गवार निठल्ला पति तुम लायक ही नहीं। हमारी वजह से तुम सबके सामने अपने आप को उठा महसूस करते, इसीलिए तो खुद ब खुद पैसों का इंतजाम भी कर और ये साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर में दर्जी तुम्हारे पति से बड़ा है, साबित कर दिया। नहीं रुद्र, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही हम कभी सोच सकते। हटो हमारे सामने से, बड़ी आई सोचने वाली। रुद्र, आशीर्वाद दीजिए, आज से हम कॉलेज जा रहे हैं। माँ जी, हमने सुबह का नाश्ता बना लिया है और दिन का खाना भी, और दोपहर के बाद तक तो हम वापस आ जाएंगे। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, रात के खाने की भी हमने तैयारी कर ली है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है कि ये घर तुम्हारे भरोसे चल रहा है? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम यहां नहीं रहोगी ना तब भी ये घर अच्छे से चलेगा। तुम अपने कॉलेज जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे। तुम्हारे यहां आने से पहले भी हम लोग अपना ध्यान रख लेते थे, अब तुम जाओ यहां से। अरसिया, अरे रुको, अरे ऐसे कैसे जा रही हो? इलो, इखा के जा, इसे खा कर जाना सगुन होता है। लो, आंखों में आंसू का हिला रही हो? अरे आज तो खुशी का दिन, बहुत अच्छा दिन, उस पर रोते नहीं। अरे रोने से दिन खराब हो जाएगा, रोते नहीं, आंसू पोछो, हाँ अच्छे से जा, ठीक है, जाओ। ई उड़ी चिड़िया। सिया, और ये हुआ चिड़िया के मुंह पे दरवाजा बंद।
वही जो तुम अपने मांग में सिंदूर भर रखा है ना, जिसके तुम बड़े बड़े उदाहरण देती रहती हो। आओ आज हम तुमको इस सिंदूर का असली मतलब समझाते। सिया, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन आज तो हमारा पहला दिन है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम तुमको सिर्फ आज का क्लास नहीं, हमेशा के लिए कॉलेज जाने से मना कर रहे हैं। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओ, बहुत ही पढ़ाई लिखाई कर ली तुम। तुमको कलेक्टर नहीं बनना है, तुम घर की बहू और हमारी पत्नी हो, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, समझी? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल तो आप खुद आए थे पैसे लेकर, ये पैसे लो और जाके कॉलेज ज्वाइन करो, और अब देखिए, हमने खुद को आपकी पत्नी मानने से या इस घर की बहू मानने से कभी इनकार नहीं किया है। तुमने इनकार नहीं किया, हम कर रहे हैं। तुमको ये याद दिलाते हुए कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, वही जो तुम अपने मांग में सिंदूर भर रखा है ना, जिसके तुम बड़े बड़े उदाहरण देती रहती हो। आओ आज हम तुमको इस सिंदूर का असली मतलब समझाते। इस सिंदूर का पहला मतलब है कि तुम ही घर की बहू हो। और इस सिंदूर का दूसरा मतलब ये है कि तुम हमारी पत्नी हो। इस सिंदूर का तीसरा मतलब ये है कि तुम हमारी संपत्ति हो, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी। घर की बहू होने के बाद और इस घर के नियम के अनुसार तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारा पति यानी कि हम लेंगे। हम मानते हैं कि हम आपकी पत्नी हैं।